बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे बच्चों, हम ग्लोबलाइजेशन पढ़ रहे हैं। आज हम पढ़ेंगे बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन। ये वही है जैसे मैंने आपको समझाया, इसमें क्या है, ग्लोबलाइजेशन ने कैसे वर्ल्ड को श्रिंक किया हुआ है, कैसे दुनिया के लोग आपस में जुड़ गए हैं, कैसे लोग दुनिया के लोग आपस में नज़दीक आ गए हैं, कैसे मुख्तलिफ कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड डिफरेंट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड हैव यूनाइटेड, दे हैव देयर इंटरडिपेंडेंस हैज़ इंक्रीज ड्यू टू द ग्लोबलाइजेशन। मेजर एस्पेक्ट ग्लोबलाइजेशन का है इकॉनमी ग्लोबलाइजेशन। जो इकॉनमी है वो अब दुनिया का सारा जो ये है वर्ल्ड एक ही मार्केट बन गया है। मुख्तलिफ वर्ल्ड ये जो रिनाउंड इंटरनेशनल कंपनीज़ हैं उनके लिए सारा जो दुनिया का ये दुनिया की डिफरेंट कंट्रीज़ के मार्केट्स हैं वो एक मार्केट उनके लिए बन गया है। सो फर्स्ट वर्ल्ड ट्रेड, द फर्स्ट एंड नेसेसरी कंडीशन ऑफ ग्लोबलाइजेशन इज़ वर्ल्ड ट्रेड। इस ग्लोबलाइजेशन ने वर्ल्ड ट्रेड को बढ़ाया है, बहुत वॉल्यूम इसका इंक्रीज किया है हुआ है। इट इज़ द मैन बेस ऑफ बिजनेस ऑफ द वर्ल्ड, इट गिव्स बिजनेस टू द वर्ल्ड। ये बिजनेस एक कंट्री के लिए नहीं बन गई, अब ये होल वर्ल्ड की बिजनेस बन गई है। वर्ल्ड ट्रेड बढ़ गया है, हिंदुस्तान का एक्सपोर्ट बढ़ गया है, इम्पोर्ट भी हो रहा है। तो अगर किसी कंट्री से भी हिंदुस्तान कुछ इंपोर्ट कर रहा है या कुछ एक्सपोर्ट कर रहा है, अगर उसका मुल्क की बिजनेस का कुछ प्रॉब्लम हो जाए तो उससे हिंदुस्तान पे भी असर पड़ता है। सो वर्ल्ड ट्रेड हैज़ इंक्रीज, इट हैज़ बिकम वेरी मच यूनाइटेड एंड इंटरकनेक्टेड। सो द फर्स्ट एंड नेसेसरी कंडीशन ऑफ ग्लोबलाइजेशन इज वर्ल्ड ट्रेड, इट इज़ द मैन बेस ऑफ बिजनेस ऑफ द वर्ल्ड, इट गिव्स बिजनेस टू द वर्ल्ड। सेकेंड, इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन। नाउ इकॉनमी ऑफ वन कंट्री डिपेंड्स अपॉन द इकॉनमी ऑफ अदर कंट्री, दैट इज वाई द कंसेप्ट वर्ल्ड इकॉनमी कैम इन टू बींग। इससे क्या हुआ, मेजर जो है ये ग्लोबलाइजेशन का है वो इकॉनमी ग्लोबलाइजेशन है। इसने वर्ल्ड इकॉनमी को जन्म दिया है, वर्ल्ड ट्रेड को जन्म दिया है, लिबरलाइजेशन को जन्म दिया है, प्राइवेटाइजेशन को जन्म दिया है, इंटरनेशनल कंपनीज को जन्म दिया है, जिससे ये जो मुख्तलिफ ममालिक है वो आपस में बिजनेस कर रहे हैं। मिसाल के तौर हिंदुस्तान की बात अगर करेंगे, पहले ये सोशलिस्टिक अप्रोच इसका था बिजनेस के बारे में, गवर्नमेंट ऑनर्ड कंपनीज थी तो प्राइवेटाइजेशन और लिबरलाइजेशन का बहुत कम दखल था। उसके बाद जब ये इकॉनमी फ्लॉप हो गई तो 1991 में इसने एलपीजी पॉलिसी को जन्म दिया, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन को। तो उससे इन्होंने अपने मार्केट्स ओपन किए हैं दुनिया के कंपनीज़ के लिए, दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक के लिए। तो उससे उस वक़्त से हिंदुस्तान ने ग्लोबलाइजेशन, इसकी मार्केट्स ओपन हुए वर्ल्ड इकॉनमी के लिए, तो ग्लोबलाइजेशन बढ़ गई। ग्लोबलाइजेशन ऑफ मार्केट, अब दुनिया के मार्केट्स भी आपस में जुड़ गए हैं कि एक ही मार्केट, दुनिया का सारा ये ममालिक के जो मार्केट्स वो एक ही मार्केट बन गया। ग्लोबलाइजेशन हैज़ इंक्रीज द मार्केट्स टू अ ग्रेट एक्सटेंट। नाउ इंटरनेशनल कंपनीज आर प्रोड्यूसिंग कीपिंग वर्ल्ड मार्केट्स इन व्यू। अब जो भी बैन अक्वामी कंपनीज़ हैं तो वो अपने ही मुल्क के लिए पैदा नहीं, प्रोडक्शन नहीं कर रहे हैं, वो दुनिया के मार्केट्स को मद्देनज़र रख के प्रोड्यूस कर रहे हैं। जो भी इंटरनेशनल कंपनीज, आप खुद जानते होंगे कितनी कंपनीज है वर्ल्ड की जो हिंदुस्तान में इन्वेस्ट करते हैं, हिंदुस्तान की कंपनीज दूसरे ममालिक में इन्वेस्ट करते हैं। तो इससे ग्लोबलाइजेशन का मार्केट जो है, ग्लोबलाइजेशन ऑफ मार्केट हुआ है। डिवीजन ऑफ लेबर भी हुआ है कि ग्लोबलाइजेशन हैज इनक्रेजेड द डिवीजन ऑफ लेबर। नाउ पीपल आर डूइंग मनी कोर्सेज टू गो टू फॉरिन कंट्री। अब दुनिया की इकॉनमी, दुनिया के जॉब मार्केट को मैच करने के लिए डिमांड, किन शोबों में डिमांड है वही कोर्सेज लोग कर रहे हैं ताकि वो अपने जॉब को सिक्योर कर सके फॉरेन कंट्री में या अपने मार्केट में। तो डिवीजन ऑफ लेबर इससे हुआ है, डिफरेंट कोर्सेज
वजूद में आए हैं, तो मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स वजूद में आए हैं, इससे डिवीजन ऑफ लेबर हुआ। माइग्रेशन ऑफ लेबरर्स टू द अदर कंट्रीज, जैसे इकोनॉमिक मार्केट दुनिया का एक हुआ है, इसी तरह से लेबर मार्केट भी बढ़ गया है लेबरर्स के लिए। अब अगर लेबरर्स को अपने मुल्क में जॉब नहीं मिल रही तो ये दूसरे ममालिक में जा सकते हैं, वहाँ पे अपना जॉब कर सकते हैं। जैसे हमें मालूम है हिंदुस्तान का बहुत सारा वर्क फोर्स, लेबर फोर्स गल्फ कंट्रीज़ में, यूरोपियन कंट्रीज़ में काम कर रहे हैं। तो वर्ल्ड इकॉनमी, जैसे आपने पहले ही के ये आपको समझा है कि IMF की सूरत में, WTO की सूरत में दुनिया की इकॉनमी जो है वो एक हो गई है। अब एक मुल्क दूसरे मुल्क पे मुनहसर कर रहा है, डिपेंडेंट कर रहा है, एक तो वर्ल्ड इकॉनमी जुड़ गई है। अगर कहीं पे वर्ल्ड में किसी ममालिक की, किसी मुल्क की प्रॉब्लम हो इकॉनमी के हवाले से, तो दूसरे मुल्क पे भी उसका असर पड़ता है। इसी वजह से है कि वर्ल्ड की इकॉनमी एक हो गई है, वर्ल्ड इकॉनमी एक हो गई है। ये था सम बेसिक प्रिंसिपल ऑफ ग्लोबलाइजेशन, ये थे। कल हम इकॉनमिक ग्लोबलाइजेशन, पॉलिटिकल ग्लोबलाइजेशन और इकॉनमिक ये कल्चरल ग्लोबलाइजेशन को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।